खाना बनाना नहीं आता था, सो मैंने खाना बनाना सीख लिया। देखिए पैशन और पेशेंस होने में बहुत फ़र्क है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो टैलेंटेड होता है, जिस तरह हम हीरे को पॉलिश करते हैं ना, वो पॉलिश होता जाता है टैलेंट। दिस इज मिशी फ्रॉम द टीम ऑफ नेक्स्ट यूनी। हम में से बहुत से स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है कि हम बाहर जाकर स्टडीज़ करें, हम अच्छी जॉब्स करें जिससे हमारे स्किल्स इनहेंस हों, हम अपने एजुकेशन करियर को बहुत ब्रॉडन कर सकें। सो टुडे वी हैव अ पर्सनैलिटी जस्ट लाइक दैट नेम उकाशा साहिल, जिनसे हम आज बात करेंगे और जानेंगे उनके बारे में, कुछ उनके फाउंडेशन के बारे में और कुछ उनकी स्टडीज़ के बारे में जो उन्होंने अब्रॉड जाकर ऑफ की। कैसे हैं आप उकाशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। यू वेलकम उकाशा। आप हमें अपने बारे में बताइए कि आपने अपनी फाउंडेशन का स्टार्ट कैसे किया? देखिए बुनियादी तौर पे तो ये एक बहुत ही मेजर हमारा कल्चरल आर्ट था जिसको मैं समझता हूँ कि हर बच्चे को पता होना चाहिए था। जो सिंस हमारी फैमिली गुज़श्ता को 200-250 साल से इसके साथ मुंसलिक थी, तो जब मैं पाकिस्तान आया तो आई रियलाइज्ड कि इस तरह के लोगों को, बच्चों को, आजकल की यूथ को तो कैलीग्राफी के बारे में पता ही नहीं है। तो फिर मैंने कोई 5 साल पहले अपनी फाउंडेशन बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेन एम यही था कि हम इसको थोड़ा सा प्रमोट करें, लोगों को इसके बारे में बताएं, इंफॉर्मेशन दें, सेमिनार्स करें और वर्कशॉप्स करें। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो ये सिलसिला यहाँ से स्टार्ट हुआ। व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जिस पर आप अब तक काम कर चुके हैं? देखिए मिशी, चैलेंजिंग तो ऐसा कुछ भी पार्ट नहीं था, सिर्फ ये था कि हम चूँकि यूरोप से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं एज अ भेसियत कौम, तो मैं चाहता था कि हम जो अपना कल्चरल पार्ट है, जो कल्चरल आर्ट है, उसको हम इंट्रोड्यूस करवाएं। सो मेरा ख्याल है कि मेरे लिए तो यही बड़ा चैलेंज था कि हम लोगों को उस इंस्पिरेशन से, इस इंस्पिरेशन की तरफ, जो हमारी अपनी बुनियाद है, जो हमारी कौम का अपना कल्चर रहा है। और किसी भी कौम के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि हम अपनी चीज़ों को अडॉप्ट करें और अपनी चीज़ों को ऊपर लेके आए। अच्छा, मुझे तो ये लगता था कि कैलीग्राफी जो है वो गॉड गिफ्टेड है, आपको इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए मैं समझता हूँ कि हर इंसान जो है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो टैलेंटेड होता है, जैसे वालदैन उसकी ट्रेनिंग करते हैं किसी चीज़ की तरफ। सो अगर आप किसी चीज़ की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपके अंदर वो टैलेंट जो है वो उभरता जाता है, यानी जिस तरह हम हीरे को पॉलिश करते हैं ना, वो पॉलिश होता जाता है टैलेंट। तो गॉड गिफ्टेड तो अल्लाह ताला की तरफ से तो हर इंसान गॉड गिफ्टेड है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते रहते हैं इमोशंस के साथ, पैशन के साथ और पेशेंस के साथ। देखिए पैशन और पेशेंस होने में बड़ा फ़र्क है, ठीक है? किसी चीज़ के लिए आप पैशनेट हैं तो वो, अगर आप पैशनेट होकर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता वो टैलेंट आपके अंदर आता जाता है। क्या आपकी कैलीग्राफी आपके इमोशंस और मूड स्विंग्स को देखते हुए तहरीर में आती है या फिर आपने कुछ सोचा और जस्ट उसको तहरीर कर लिया? देखिए अक्सर ऐसा होता है कि आपने एक चीज़, एक थीम माइंड में सोची होती है, इसको हम कॉम्पोजिशन कहते हैं, जिसमें 4-5 चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिसमें कि वो जो जहाँ पे आपने उसको डिस्प्ले करना है उसकी थीम है या कलर स्कीम है या सूदिंग टू आई होना चाहिए। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्ट से रिलेटेड है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। सो जब आपके वो माइंड में होती है और फिर आप एक, मैं समझता हूँ कि ये एक ना, क्योंकि रूहानी चीज़ भी है ना, तो जब आप वो रूहानियत भी आ जाती है और वो पीछे से आपकी वो थॉट प्रोसेस वो होता है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत खूबसूरत चीज़ तकलीफ में आती है। उकाशा, आपने बाहर जाके स्टडी करने को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, तो व्हाट डू यू थिंक कि आपने बाहर ही क्यों, यानी अब्रॉड जाकर ही क्यों स्टडीज़ को प्रेफर किया? देखिए मैं समझता हूँ कि हमारे जिस तरह टेक्नोलॉजी बाहर बहुत ज़्यादा वास्ट है और इसी तरह पढ़ाने का अंदाज, इसी तरह प्रैक्टिकल लाइफ वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैं चाहता था कि वहाँ से हम कुछ ऐसे असबाक जो हमारे कल्चर में नहीं है वो हमें मिले, ताकि कल को आप अपने कल्चर को देखिए। इसी तरह हमारा पाकिस्तान या हमारा मुल्क जो है वो है, रिच होगा कल्चरल वाइज भी, और फिर नई से नई टेक्निक्स आते हैं, नए से नए आइडियाज़ आते हैं कि आपने किस, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कैलीग्राफी समेत बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जो मैं समझता हूँ कि वो जो बाहर की ट्रेनिंग होती है, आपकी डिफरेंट कल्चर्स की ट्रेनिंग होती है, तो बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें होती हैं जो आप अपने कल्चर में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो आपने बाहर जाकर पढ़ने का डिसीजन कैसे लिया? देखिए लकीली जो मेरी यूनिवर्सिटी थी उनकी एफिलिएशन थी आयरलैंड में एक यूनिवर्सिटी के साथ,
तो वो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह खास तौर पर मैं यूथ को कहूँगा कि जब आप अपने बैचलर्स के लिए सब्जेक्ट्स में कि आपने कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, आपने कौन सा कंट्री चूज़ करना है, तो ये बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है क्योंकि बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व होते हैं, लोगों के इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो यूथ हैं, जो अच्छी कंसल्टेंसी देने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ ज़रूर रब्ता करें। ये बहुत मसला होता है वहाँ जाके कि आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे अगर कोई रिसीव करने वाला ना हो तो आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो बहुत अच्छी अच्छी कंसल्टेंसी कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो बहुत अच्छा स्टूडेंट को गाइड करती हैं, और स्टूडेंट्स भी जो हैं वो बड़े ही अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। आपने सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ किए, आपको कोई गाइडेंस मिली थी या आपको किसने कोई गाइड किया सब्जेक्ट चूज़ करने? देखिए जो सब्जेक्ट चूज़ किए वो तो बिज़नेस के थे, क्योंकि हमारी फैमिली भी बिज़नेस में थी और वो और मेरा कुछ इंटरेस्ट भी उसी में था। जिस तरह हमने पहले भी बात की, जो कंसल्टेंट्स हैं वो आपसे पूछते हैं कि आप बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इंटरेस्ट के साथ आपका अपना भी इंटरेस्ट हो और वो सब्जेक्ट्स आपको वहाँ मिल जाए। सो ये बड़ा आसान हो गया कि एक कंसल्टेंट्स जो हैं वो आपको गाइड कर देते हैं और बच्चा जो है ना वो फिर परेशान नहीं होता। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एज अ स्टूडेंट अब्रॉड स्टडी करना? वो तो बहुत ही अच्छा रहा। मैं समझता हूँ कि नया कल्चर देखने से, नए लोगों के साथ मिलने से, फिर यूनिवर्सिटी का लेवल बहुत अच्छा होता है, पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा होता है, ख़ासकर लाइब्रेरीज बहुत अच्छी हैं। फिर मैं ये समझता हूँ कि इनके साथ साथ जब आप घर की हर चीज़ लेते हैं, खाना पकाते हैं, दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेन देन करते हैं, मामला करते हैं, जॉब्स करते हैं, अपनी ज़रूरत को अपनी ज़रूरत के तहत चीज़ों को मोल्ड करते हैं, तो आपकी बहुत सारी तरबियत होती है। सिर्फ ये नहीं कि आपने स्टडीज़ करनी है, आपने उठना बैठना कैसे है, आपने रहना कैसे है, आपने कपड़े कैसे धोने हैं। इवन मुझे खाना बनाना नहीं आता था, सो मैंने खाना बनाना सीख लिया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अनकॉन्शियसली लर्न कर रहे होते हैं। ऐसे कौन से हर्डल्स थे जो एज अ स्टूडेंट आपको फेस करने पड़े? निशी, एज सच तो ऐसा कोई हर्डल नहीं था। हाँ, ये है कि आपको लोनलीनेस बड़ी फील होती है, जाहिर है कि आपकी फैमिली नहीं होती, सो यू फील होमसिक समटाइम्स। और समटाइम्स ऐसा होता है कि चूँकि कल्चर चेंज होता है, जिस तरह वहाँ पे हलाल मीट का या कोई ऐसी चीज़ें, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू शुरू में थोड़ा सा लगता है आपको कि यार शायद इस चीज़ की परेशानी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो खैर हर चीज़ दुनिया में वाइडली अवेलेबल है और हर चीज़ ग्लोबल है। सो मेरा ख्याल है कि एज सच कोई ऐसी ख़ास हर्डल जो मैंने फील की हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो स्टूडेंट लाइफ में तो ऐसे बहुत फ़नी वाक़यात भी होते हैं, तो आपके साथ कोई ऐसा फ़नी मोमेंट, कोई ऐसा फ़नी एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मुझे एक वाक़या छोटा सा याद आ रहा है कि जब मैं इंटरनेशनल ऑफिस में गया एक दफ़ा, तो मेरा कुछ पार्सल था जो पाकिस्तान से आना था। सो मैंने उनसे पूछा कि ये पार्सल के कितने पैसे लगते हैं देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि 230। तो आई वाज लाइक यार 230 यूरोस, इतने ज़्यादा? तो वो चूँकि ऐसे बात करते हैं कि 2.30, तो मुझे लगा कि 230 यूरोज़ है, हालांकि वो 2 यूरो और 30 सेंट थे। तो जब मैं घर गया तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार इसने मुझे ये कह दिया कि ये 230 यूरोज़ लगेंगे, तो वो जब उसने बताया तो आई वाज लाइक यार आई वाज सो डम। तो क्या आप रिकमेंड करते हैं हमारी यूथ को कि वो बाहर जाकर स्टडीज करें? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को ना 6 महीने के लिए यूरोप का एक चक्कर लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है कि उसने कैसे रिस्पॉन्सिबल होना है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, अपने मुल्क को कैसे रिप्रेजेंट करना है, और इसी तरह उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि अपना कि वो अपने आप को बता सके कि मैं ये हूँ और मैं इस कंट्री से हूँ, और वो अपनी जो चीज़ें हैं वो लर्न कर सकता है। तो दी नेक्स्ट यूनी के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? नेक्स्ट यूनी बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं तो बहुत अरसे से जानता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं तो इनसे कंसल्टेंसी ना ले सका, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स ले रहे हैं दे आर वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड। तो ये थे हमारे आज के मेहमान उकाशा साहिल, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।